सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 अप्रैल 2023 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इज एल व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस। इफ डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 times ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन न्यू एंगुलर मोमेंटम विल बी। ओके, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम सैटेलाइट का कैलकुलेट करें तो उसका फार्मूला हमारे पास में आता है L इक्वल टू, क्या फार्मूला था, L इक्वल टू स्मॉल m इन द ब्रैकेट g कैपिटल m इंटू r। ओके, और जब हम ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चन आते हैं और हमारे सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हमारा हमको याद रखना है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r। अगर हम R1 की बात करें और R2 की बात करें तो यहाँ पर R2 जो सेकंड फाइनल कंडीशन में उसका डिस्टेंस है सेंटर से, है ना, अर्थ के सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है R, सेकंड केस में R2 जो है वो इंक्रीज कर दिया है 8 times। तो पहले R था, अब हमने 8R और इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज बाय 8 times, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9R। ओके, अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो L इक्वल टू M, है ना, सबसे पहले L1 का वैल्यू देखते हैं, L1 इज इक्वल टू M रूट G कैपिटल M R, और अगर हम L2 का वैल्यू फाइंड करें तो वो होगा M रूट G कैपिटल M 9R। तो यहाँ पर M M G G कैंसिल हो जाएगा, R भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा L2 इक्वल टू 3L1, मतलब कि 3L D यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा।